नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन पांडे बाली सीसीटीवी टेक्नोलॉजी से। आज मैं आपको लैन और वी लैन में अंतर बताने जा रहा हूँ। लैन जो हमारा होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और वी लैन हमारा जो होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसके बारे में जो भी आपको थ्योरेटिकली जो भी पढ़ना है वो आपको गूगल में बहुत सारे मिल जाएंगे, क्या क्या अंतर है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, उसके बारे में आपको फिर डीपली बताऊँगा जो नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहता है। अभी बेसिकली जो अभी नया जो पास आउट जो है उसके लिए ये वीडियो है, लैन और वी लैन में क्या अंतर है। आप किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में जाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मैं अभी आपको एक ये डेमो वीडियो बना रहा हूँ, लैब बना के दिखा रहा हूँ। इस पे जैसे हमारे दो पीसी हैं, ठीक है, ये इस स्विच से कनेक्टेड हैं, स्विच से दो पीसी कनेक्टेड हैं। हमने इसको आईपी दे दिया, पीसी को आईपी देंगे तभी वो आपस में पिंग करेंगे, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था। इस पर हमने आईपी दे दिया 192.168.1.2 192.168.1.1, ये हमारा गेटवे हो गया। सेकेंड पीसी वन पे हम देते हैं आईपी 192.168.1.3, गेटवे हमारा 192.168.1.1। ये हमारा दो नंबर आईपी हो गया, ये हो गया हमारा तीन नंबर आईपी हो गया, ठीक है। ये एक हमारा ऑफिस पे लगाया है, ठीक है। अभी आपस में हम इसको पिंग करेंगे तो ये पीसी हमारा, पीसी पे जो आईपी दिया हुआ है ये आईपी एक दूसरे से पिंग होंगे। पिंग मतलब ये आपस में एक दूसरे रिचेबल हैं, कनेक्टेड हैं। पिंग का मतलब हमेशा क्या होता है, कनेक्टिविटी ओके है। तो आपको पिंग चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विंडो आर में जाके, रन में जाके, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, वहां पर पहले आईपी चेक करना है, आईपी कॉन्फिग। हमेशा आईपी पहले चेक करना है कि आपने आईपी प्रॉपर दिया है नहीं दिया है, 192.168.1.2। अब इसको हम सेल्फ पिंग करेंगे। पहले सेल्फ पिंग करने का मतलब आपका पीसी टू लैन कार्ड, जो फिजिकली जो कार्ड लगाया है, लैन कार्ड जो लगाया है, इंटरफेस कार्ड जो होता है वो रिचेबल आना चाहिए। इसका मतलब ये हमारी कनेक्टिविटी ओके है। अगर ये पिंग रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका फिजिकल मीडिया में कुछ भी इश्यू हो सकता है, आपकी लैन केबल फॉल्टी हो सकती है, या RJ45 कनेक्टर खराब हो सकता है, या आपका लैन पोर्ट फॉल्टी हो सकता है। अब हमने तीन नंबर आईपी को पिंग किया तो इसमें हमारा रिस्पांस मिल रहा है। इसका मतलब हमारा क्या है, PC0 से PC1 तक हमारा क्या है, कनेक्टिविटी ओके है। अब आपको हम यहाँ से PC2 से भी पिंग करेंगे। सबसे पहले आईपी कॉन्फिग आईपी चेक करेंगे, पिंग स्पेस 192.168.1.3। पहले सेल्फ पिंग करना है हमेशा। सेल्फ पिंग में अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो इसका मतलब हमारी कनेक्टिविटी लैन कार्ड तक ओके है। तब हम दूसरे लैन कार्ड को पिंग कर रहे हैं, दूसरे पीसी जीरो को पिंग कर रहे हैं, हम इस पीसी को पिंग कर रहे हैं .2, ये भी रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। ये हमारा क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सपोज मैंने यहां पे दो पीसी और लगा दिए इसी स्विच से, ध्यान से सुनना, एक ही रूम है, एक ही फ्लोर में है, एक ही रूम है ये, हमने दूसरा दो पीसी और लगा दिए इस स्विच से, इसको आईपी हमने दे दिया 192.2.1.2.2 दे दिया, और दूसरे को दे दिया 2.gateway2.1। तीन नंबर पीसी को हमने दे दिया आईपी 2.3। ये हमारा हमने ये वाला आईपी इसको दिया 2.2,
टू डॉट थ्री। ठीक है, अब इस पीसी पे जाना, आप इस पीसी से पिंग करोगे, इस पे पहले आईपी चेक करना है, आईपी कॉन्फिग पिंग स्पेस 192.168.2.2 सेल्फ पिंग ओके आ रहा है। अब हम रिमोट वाले पिंग पीसी को पिंग करेंगे 2.3, ये भी पिंग आ रहा है, इसका मतलब हमारा कनेक्टिविटी ओके है। अब 1.2 को पिंग करेंगे, इसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, हमने किससे किया, इससे इसको पिंग किया, इसका सेल्फ पिंग आ रहा है, इसका हमारा लोकल कनेक्टिविटी ओके है। हमने इस वाले पीसी को पिंग किया 2.3, इसका भी रिस्पांस आ रहा है, इसका मतलब ये पीसी आपस में बात कर रहे हैं, मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमने 1.2 को पिंग किया, 1.2 हमारा पिंग नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये देखो 1.2 यहाँ पे सेल्फ पिंग तो हो रहा है ना, आ रहा है, 1.3 भी पिंग आ रहा है बट 2.1 पिंग नहीं आ रहा है, 2.1 पिंग नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ठीक है, ये लाइन आपका अलग हो गया, ये लाइन वन हो गया, लाइन वन लाइन टू, मतलब लाइन डिपेंड करता है आपका नेटवर्क का आईपी पे, आपके कमरे पे नहीं डिपेंड नहीं करता कि लोकल एरिया है तो इसका मतलब हमारा लोकल लाइन पूरा एक ही हो गया, ऐसा नहीं है, वो नेटवर्क एडमिन की टोपोलॉजी पर डिपेंड करता है, उसने नेटवर्क को कैसे बिल्डअप किया है। सपोज यहाँ पे बड़ा हमारा काफी बड़ा कमरा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 254 आईपी 252 आईपी सारे यूज हो चुके हैं, मतलब 250 हमारे इम्प्लॉयज बैठे हैं, सारे यूज हो चुके हैं, तो इसका मतलब फिर उसके बाद उसको नया आईपी पूल अगर यहाँ से अगर सेम अपना क्लास सी का देगा तो ये दूसरा पूल काटेगा, फिर नया आईपी एड्रेस देगा, नेटवर्क का आईपी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ये समझाने का मतलब है कि लैन का मतलब क्या होता है, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वो डिपेंड करता है आपका नेटवर्क का आईपी पे, नेटवर्क का आईपी क्या है आपका उस पर डिपेंड करता है, जैसे इसका नेटवर्क आईपी अलग है इसका अलग है, तो इसके मतलब ये लैन वन और लैन टू हो गई। अब इसी लैन और लैन टू ये आपस में अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट वीलैन जैसे हम इसमें वीलैन इंप्लीमेंट कर देंगे, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क जैसे हम इसमें वीलैन क्रिएट कर देंगे तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। वीलैन का पूरा जो चैप्टर है मैं उसको आपको पूरा एक साथ पढ़ाऊंगा, बट अभी लैन और वीलैन में अंतर बता रहा हूं आपको। अभी हमारा ये दो आपस में पीसी कनेक्टेड हैं, ये पिंग भी कर रहे हैं, अभी मैंने आपको दिखाया भी था पीसी जीरो से पीसी वन पिंग हो रहा है 1.3, बट पीसी टू से पीसी वन से पीसी जीरो भी पिंग हो रहा होगा, ठीक है। अभी जैसे हम इसे वीलैन इंप्लीमेंट करेंगे ये आपस में पिंग नहीं होगा, वर्चुअली हमने उसको क्या कर दिया, डोमेन उसका ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या कर दिया, अलग कर दिया, कर देंगे। अभी मैंने टू नंबर पिंग किया तो टू भी पिंग हो रहा है। हम स्विच में जाते हैं, स्विच में हम क्या करेंगे, वीलैन क्रिएट करेंगे वर्चुअल लैन। अभी डिफॉल्ट क्या होता है, वीलैन वन पे होते हैं सारे जितने भी हमारे पीसी जो हैं, देखो अभी ये डिफॉल्ट क्या है, वीलैन वन है, इसका वीलैन का कंप्लीट वीडियो आपको बाद में बताऊंगा, ये वन नंबर वीलैन क्या है, ये देखो सारे डिफॉल्ट सब में सारे पोर्ट में है, 24 पोर्ट है इसमें सब में, और 2 गीग पोर्ट भी है, सब डिफॉल्ट वीलैन क्या है, वन है, इसलिए वो आपका क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, अभी पिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। अब जैसे ही मैं इसमें वीलैन क्रिएट करूंगा, मैंने क्या किया, कमांड प्रॉम्प्ट में गए, ग्लोबल मोड में गए, सॉरी राउटर में ग्लोबल मोड में गए, हम स्विच की ग्लोबल मोड में वीलैन 110 कर दिया मैंने, ठीक है 110 हमने वीलैन क्रिएट कर दिया। अब 110 वीलैन को हम कौन से इंटरफेस में देंगे, हमारा ये इंटरफेस कौन सा है, वन नंबर, ठीक है, इस इंटरफेस पे हम देंगे, ये टू नंबर है ये वन नंबर है,
वन नंबर जीरो एफ ए जीरो स्लैश वन एफ ए जीरो स्लैश टू। तो हम क्या करेंगे इस पे, फास्ट 800 जीरो स्लैश वन स्विच बोर्ड मोड एक्सेस स्विच बोर्ड एक्सेस वीलेन 100+। जैसे हमने ये वीलेन दे दिया, ये आपका कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगा। अब हम यहाँ से चेक करेंगे, अभी तीन नंबर अब पिंग नहीं होगा, स्टॉप हो गया ना। हमने अभी इसको क्या कर दिया, वर्चुअली लैन बना दिए, सेपरेट कर दिया इसका, ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग बना दिया। ये आपस में पिंग नहीं होंगे, एक ही नहीं है। अब थ्री से चेक करेंगे, थ्री से भी नहीं होगा। और जैसे हम इसे वीलेन रिमूव कर देंगे, यहां से क्या कर देंगे, नो स्विच बोर्ड मोड, नो स्विच बोर्ड, नो स्विच बोर्ड एक्सेस वीलेन। अब कुछ देर में क्या इसका रिस्पांस आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी अभी ये एम्बर लाइट जल रही है, जैसे ही ग्रीन हो जाएगा इसका भी बताऊंगा ये क्यों होता है, एम्बर लाइट क्यों जलती है, ये टाइम पीरियड कितना होता है, ये पूरा सीसीडी के कोर्स में होता है, कितना टाइम लेता है ये अप आने में और कितना हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जहाँ पर हम पीसी कनेक्टेड करते हैं वो सीसीडी के कोर्स में आपको बताया जाएगा। अभी ये रिस्पांस आ गया, जैसे हमने यहाँ से विजन रिमूव किया ऐसे क्या आ गया, रिस्पांस आ गया। तो हम वीलेन क्रिएट करने पे सेम जो नेटवर्क का आईपी है, अगर ये आईपी सेम है, अगर वीलेन इसमें इसमें वन है, इसमें 110, हमने 110 वीलेन क्रिएट किया था, वीलेन 110 बनाया था इस पे, कौन से वाले पे, इस पोर्ट पे, ठीक है, इस पोर्ट पे बनाया था हमने वीलेन 110। इस पे क्या था, वीलेन वन ही था, इसीलिए वो अभी हमारा क्या है, देखो इस स्विच पे हमने वीलेन रिमूव कर दिया ना, तो हमें अभी क्या दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए शो वीलेन अभी वन नंबर पे ही दिखा रहा जा रहा, ठीक है, हमारा वन नंबर पे ही दिखा रहा है। जैसे 110 हमने क्रिएट किया है, तो हम इसको दोबारा हम इसको इस पे दे देते हैं, हम फास्ट इथरनेट 02 पे दे देते हैं, कॉन्फिग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच बोर्ड मोड एक्सेस एक्सेस वीलेन 110। ये देखिए दो नंबर पोर्ट पर आ गया, दो नंबर पोर्ट पर हमारा क्या आ गया, वीलेन 110। अभी दोबारा हम चेक करेंगे, ये रिस्पॉन्स नहीं आएगा, अभी पिंग आ रहा था अब नहीं आएगा। यही अंतर होता है लैन और वी लैन में। लैन हमारा क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगर लोकल एरिया नेटवर्क में हमें सेम नेटवर्क पर भी हमने अगर दो वी लैन क्रिएट कर दिए, उसको वर्चुअली लैन बना दिया, तो क्या होगा, आपस में पिंग नहीं होगा। ये इनिशियल फेज था, बाद में हम इंटर वी लैन राउटिंग भी होती है, आपस में हम जो वी लैन है तो उनको भी हम पिंग करा देते हैं। ये आपका बेसिक से बता रहा हूं मैं, ठीक है। अभी ये समझो कि अगर दो अलग वी लैन होंगे तो आपस में पिंग नहीं होंगे, अभी आप बेसिक सीख रहे हो, उसके बाद एडवांस में तो बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। अभी ये पिंग नहीं हो रहा, जैसे हम यहां से इसको वीलेन रिमूव कर देंगे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। अब शो वीलेन चेक करोगे आप, अब नहीं दिखा रहा है, वीलेन 110 क्रिएट है बट किसी को असाइन नहीं है,
अभी एक्टिव है, इससे पहले क्या दिखा रहा था, दो नंबर पे दिया हुआ था। F0/2 पर हमने पहले इसको असाइन किया था, अभी क्या है ये एक्टिव है बट किसी भी पोर्ट को असाइन नहीं है। अब हम दोबारा आप चेक करेंगे, यहाँ से आपका ये पीसी इससे कम्युनिकेट करेगा, ये देखिए, ये देखिए अभी तीन नंबर पीसी पिंग हो रहा है। अब दो नंबर देखिए, ये हो गया। यही छोटा सा एक अंतर था इसमें लैन और वी लैन पे। लैन हमारा ये कभी मत समझना कि एक ही ऑफिस है पूरा लैन एक ही होगा, हमें नेट लैन डिपेंड करता है नेटवर्क पे, ठीक है। वी लैन क्रिएट करने से क्या करते हैं, हम उसको सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन बना देते हैं, मतलब अलग सेपरेट कर लेते हैं उसको। ये छोटा सा एक वीडियो था, ठीक है, थैंक यू।